आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि कुछ एग्जांपल्स अपने को गिवन है और बोला गया कौन सा जो एग्जांपल है जो पास्कल्स लॉ है उसका एप्लीकेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो पास्कल्स लॉ है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्यों जो पास्कल्स लॉ होता है वो क्या होता है? तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई फ्लूड है यहाँ पे, मेरे पास मान लो ऐसे मैं फ्लूड की बाउंड्री बना रहा हूँ, ये यहाँ पास कोई फ्लूड है यहाँ पे, इसमें कोई लिक्विड मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, किसी मेरे पास मान लो कंटेनर में लिक्विड है वो रखा गया है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो मेरे पास ये बीकर है, ये कोई बीकर मेरे पास यहाँ पे, इसमें मेरे पास क्या है ये फ्लूड है वो रखा गया है। तो अपने पता है जो फ्लूड है उसकी क्या है मेरे पास, एक कुछ ना कुछ फिक्स्ड शेप है, तो इस फ्लूड को मैं क्या बोल सकता हूँ, वो अपना है कन्फाइंड फ्लूड, कन्फाइंड फ्लूड। तो बस जो कन्फाइंड फ्लूड होता है मेरे पास, जिसकी ऐसा फ्लूड जिसकी होती है शेप क्या होती है, फिक्स होती है, तो इसके ऊपर अगर मैं कोई प्रेशर लगाता हूँ, मैं इसके ऊपर यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाया मैंने पी, तो मेरे पास जो पी प्रेशर होगा वो क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा जो प्रेशर होगा वो थ्रू आउट हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा, हर डायरेक्शन में पी से इंक्रीज होगा। जो पहले से इसका प्रेशर है लिक्विड कॉलम को एक्स्ट्रा होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये एक्सटर्नल प्रेशर पी होगा, वो क्या होगा ये इसी कारण इसका इफेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन जो पास्कल्स लॉ है उसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है मेरे पास यहाँ पे, कि प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूड सच दैट द सेम चेंज occurs everywhere। मेरे पास जो पास्कल्स लॉ होता है वो क्या बोलता है, अगर मेरे पास कोई कन्फाइंड फ्लूड है, कन्फाइंड मतलब जो फ्लूड है उसकी शेप क्या है फिक्स है, तो उसके ऊपर मैं कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाता हूँ पी, तो क्या होता है मेरे पास हर जगह जो प्रेशर होगा वो क्या होगा पी से इंक्रीज हो जाएगा। और इसने वो क्या बोलता है कि अगर मेरे पास प्रेशर, अगर कोई फ्लूड है उसकी जो सेम लाइन होगी यहाँ पे, तो इस सेम लाइन की हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा सेम होता है मेरे पास यहाँ पे, ये बोला कि हर जो फ्लूड है उसकी एक सेम लाइन पर प्रेशर क्या होगा सब जगह सेम होगा। तो अब इसके अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ पे अपना इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक अपने पास वो पास्कल्स प्रिंसिपल पर कैसे वर्क करता है इसको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक मेरे पास क्या होता है यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है जो अपन गाड़ियों में यूज करते हैं बेसिकली, यहाँ पास एक मास्टर सिलेंडर होता है यहाँ पे, ये जो मेरे पास होता है डिवाइस को अपन बोलते हैं यहाँ पे मास्टर सिलेंडर, ठीक है, ये मास्टर सिलेंडर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है मेरे पास यहाँ पे एक प्लंजर होता है, यहाँ पे ये मेरे पास पिस्टन हो गया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ तो पास जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है यहाँ से, ये यहाँ पे इसका पेडल होता है यहाँ पे फुट पेडल, वो फुट पेडल से ह्यूमन क्या करता है इसके ऊपर इसको प्रेस करता है यहाँ पे, ठीक है। और जब ह्यूमन इसको जब प्रेस करेगा यहाँ पे तो क्या होगा मेरे पास इसमें कुछ फ्लूड है वो अपने पास यहाँ पे ब्रेक ऑयल वो भरा हुआ रहता है, यहाँ पे क्या होता है मेरे पास यहाँ पे होता है ब्रेक ऑयल, ठीक है। और जो ब्रेक ऑयल होता है क्या मेरे पास यहाँ पे वो इनकम्प्रेसिबल होता है मेरे पास, ब्रेक ऑयल हमें से क्या होता है इनकम्प्रेसिबल। और इसके बाद मेरे पास क्या होता है इसका जो एंड होता है वो क्या होता है बस छोटी मेरे पास क्या पाइप है उससे कनेक्टेड होता है मेरे पास यहाँ पे टायर पे जो होता है, ये आगे जाके किससे कनेक्ट होता है ये होता है आगे जाके टायर से, टायर की क्या होती है जो ब्रेक डिस्क होती है मेरे पास उससे कनेक्टेड होता है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है मेरे पास यहाँ पे ये जो यहाँ पे एरिया क्या पिस्टन का ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया क्या मेरे पास यहाँ पे वो कम है,
तो अपने को पता है कि अगर मैं यहाँ से कुछ प्रेशर लगाऊंगा पी, तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कन्फाइंड फ्लूड हो गया। तो मैं अगर देखूंगा यहाँ पे फ्लूड की स्ट्रक्चर देखूँ, तो मेरे पास कुछ फ्लूड की स्ट्रक्चर ऐसी आएगी। अगर मैं नली तक देखूँ तो मेरे पास कुछ फ्लूड ऐसा आएगा, मेरे पास यहाँ पे यहाँ फ्लूड होगा, बस यहाँ पे कुछ यहाँ मैंने प्रेशर लगाया, बोला मैंने प्रेशर पी बोल दिया, ठीक है। इसका जो एरिया होगा मेरे पास इसको बोल दिया ए वन, इसका जो एरिया होगा मेरे पास उसको बोल दिया ए टू, और यहाँ पे जो प्रेशर आएगा मैं इसको बोल दिया कुछ पी टू, ठीक है। मेरे को पता है कि जो प्रेशर होगा वो क्या दोनों जगह का होगा सेम होगा। यहाँ पे मैं फोर्स बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने फोर्स कितना लगाया, यहाँ पे बोलता हूँ मैंने एफ वन फोर्स लगाया यहाँ पे, और जो एफ प्रेशर आएगा यहाँ पे वो एफ टू फोर्स आएगा। अब मेरे को पता है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे पी वन है और यहाँ पी टू, प्रेशर क्या होना चाहिए सेम, तो पी वन क्या जाएगा एफ वन ओवर ए वन, और पी टू आ जाएगा एफ टू ओवर ए टू। तो मेरे पास जो एफ टू वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, वो आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे एफ टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे एफ वन गुणा ए टू बाई ए वन। तो मेरे पास यहाँ क्या हो गया, ए टू अपने पता ज़्यादा है, तो मेरे पास क्या आ गया जो एफ टू आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा ग्रेटर देन एफ वन। तो अपने क्या मिल गया, इसका एडवांटेज मिल गया अपने पास कि हाइड्रोलिक ब्रेक में अपन क्या करते हैं कि जो प्रेशर है उसका अपन क्या करते हैं, प्रेशर कॉन्स्टेंट रख के जो फोर्स है एरिया को अपन कम करके जो फोर्स है उसको मल्टीपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आगे फायदा मिल गया अपने को। तो क्या होगा, अगर ह्यूमन वो कम फोर्स लगाएगा फिर भी अपने क्या मिलेगा, जो यहाँ पे फ्लूड होगा वो क्या होगा ज़्यादा फोर्स लगाएगा ब्रेक डिस्क पे, और गाड़ी को रोकने में पास क्या होगी आसानी होगी। सिमिलरली पास दूसरा ऑप्शन ने क्या देखा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये बहुत अपने पास सिंपल है, दोनों एक जैसी होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस। उसमें क्या होता है बस यहाँ पे, यहाँ पे बस होता है कि ये कुछ इस प्रकार की पास स्ट्रक्चर होती है अपने पास, इसमें क्या होता है मेरे पास यहाँ पे जो अपना फ्लूड है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है उसमें फिल किया होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कुछ प्रेशर लगाता हूँ पी वन, तो अपने पता है कि जो प्रेशर पी वन लगाऊंगा यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, फ्लूड सेम लाइन पे प्रेशर क्या होता है सेम होता है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, ये जो फ्लूड यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा इस पॉइंट पे वो लगेगा पी टू, और पी वन और पी टू क्या होना चाहिए पास इक्वल होना चाहिए बस। यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ वन बोलता हूँ इसका एरिया बोलता हूँ ए वन, इसका बोलता हूँ एफ टू फोर्स आएगा ऊपर और ए टू एरिया आएगा। यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, मान लो कोई अपने हैवी सी अपने पास यहाँ पे कोई ऑटोमोबाइल व्हीकल इसको अपने को ऊपर की तरफ ले जाना है, मेरे पास क्या जाएगा पी वन बाई पी वन इक्वल टू पी टू आ जाएगा एफ वन बाई ए वन इज इक्वल टू एफ टू बाई ए टू। मेरे पास जो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये जो एफ टू की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहाँ पे एफ टू आ जाएगा एफ वन इंटू ए टू बाई ए वन। तो मेरे को पता है कि मैंने कम फोर्स लगाया एफ वन, तो मेरे पास ए टू बाई ए वन क्या है, ए टू बाई ए वन इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि ए टू एरिया क्या ज़्यादा, मेरे पास क्या जाएगा सेम यहाँ से कि जो एफ टू आ जाएगा, जो एफ टू आएगा वो आएगा ग्रेटर देन एफ वन। मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पे कि अपन कम फोर्स लगा के गाड़ी को क्या कर सकते हैं यहाँ पे उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, इसका एडवांटेज मिल गया किसका, पास्कल्स लॉ का। सिमिलरली अपने पास ये सेम इसी प्रिंसिपल पर हाइड्रोलिक प्रेस काम करती है, उसमें भी ये होता है। लास्ट के मेरे पास एरोडायनेमिक लिफ्ट, तो एरोडायनेमिक लिफ्ट क्या होता है मेरे पास, ये कहाँ पे यूज होता है उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लो पास जो एरोप्लेन है वो क्या कर रही है, उड़ रही है ऐसे एरोप्लेन, ठीक है, ये बस एरोप्लेन है वो उड़ रही है। तो जब ये हवा में उड़ती है यहाँ पे तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगते हैं, एक तो उसके पीछे की तरफ क्या होगा एयर का ड्रैग फोर्स आएगा एफ ड्रैग, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और जो अपने पास जो इसकी तरफ आगे फोर्स कौन सा लगेगा, आगे तरफ जो अपने पास जो इंजन है वो फोर्स लगेगा, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए क्या होता है ऊपर की तरफ रहता है वो होता है एफ लिफ्ट, लिफ्ट फोर्स लगता है वो क्या करता है अपने पास यहाँ पे वेट को बैलेंस करता है। तो लिफ्ट फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे जो एयर आ रही है उसके जो पास विंग्स होते हैं ना यहाँ पे जो एरोप्लेन के, वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन होते हैं कि मेरे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एयर जा रही है, ठीक है, अपने को पता है कि बर्नौली प्रिंसिपल पता है क्या आते हैं, वो होता है पी वन पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपने पास एयर जाती है उसको इस हिसाब से क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पास यहाँ पे, कि यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे जो ऊपर से एयर जाएगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है, ऊपर से एयर जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ऊपर तो मेरे पास प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा एयर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का जो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास विंग्स क्या करते हैं अपन डिजाइन करते हैं। तो मेरे पास नेट क्या हो गया, नेट प्रेशर क्या हो गया, ऊपर की तरफ नेट प्रेशर लग गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेट ऊपरी जो ऊपर की तरफ नेट प्रेशर आएगा वो किसको बैलेंस करेगा, इसके वेट को। तो लिफ्ट फोर्स अपने कौन प्रोवाइड करती है, यहाँ से जो एयर जा रही है उसकी जो डिजाइन के हिसाब से वो प्रोवाइड करती है। तो ये किसके ऊपर प्रिंसिपल बेस हो गए, बर्नौली के प्रिंसिपल पे।
ठीक है, तो अगर अपन देखेंगे तो पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, जो ऑप्शन अपना फोर्थ है एरोडायनेमिक लिफ्ट, वो क्या है पास यहाँ पे पास्कल्स लॉ पे बेस्ड नहीं है, तो जो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।